भक्ति तो सभी के लिए भगवान की, लेकिन कलयुग में एक भक्त होया भगवान कृष्ण का, जिनको नाम हो नरसिंह जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात का रेबा वाला भगवान सांवरे शेर का नाम पे 14 करोड़ की माया लूट गई और बिल्कुल कंगाल हो गया। आज नानी भाई नरसिंह जी महाराज की एक पुत्री एक बेटी जिन्हें नगर अंजार पढ़ नहीं वह मायरो भरबा की बेड़े भगवान ठाकुर जी महाराज राधा रुकमण ने साथ लेने आया आया कि प्रेम बिना नहीं रीजे भगवान, प्रेम बिना नहीं रीजे भगवान। अरे काशी जाओ चाहे थे मथुरा जाओ, प्रेम बिना क्यों गोता खाओ, चाहे कर लो गंगा में स्नान, प्रेम बिना नहीं रीजे भगवान। तो नरसिंह जी महाराज आज भगवान का नाम पे 14 करोड़ की माया लुटार कंगाल हो गया। नानी भाई का देवर जेठ सास ससुर वका ससुराल वाला मन में विचार लगायो का अपना बरात आबा वाली है, अगर नरसिंह जी महाराज अपना ब्याह हटा आवला तो अपनी हंसी हो जावली। एक काम करो का नरसिंह जी महाराज का पत्रिका ही मत दो, और पत्रिका देओ तो अतरी जोरदार देओ का पत्रिका ना बांच और नरसिंह को दिमाग खराब हो जाओ पागल हो जावे अटा आवई को ताकि अपनी हंसी न हो। तो देखो आप नरसिंह जी महाराज ने पत्रिका लिखी और कई बात बनी। भक्त बीज पलटे नहीं जो झुक जावे अनंत, ऊंच नीच कर अवतरे वो रहे संत को संत। नरसिंह जी की लाडली और नानी बाई नाम, ब्याही श्री रंग की गरा परनादी नगरी अंजार। नानी बाई का देवर जेठ सब मिल बैठा आई के, अरे नारायण सुन लिखवाई पत्रिका कागद कलम मंगाई के। तो देखो आप नरसिंह जी महाराज का पत्रिका लिखवा लग गया, पहलो समान पत्रिका में कहीं लिखियो अरे सवा पची मन लिखो सुपारी सवा पची मन रोली। अरे सवा पची मन लिखो सुपारी सवा पची मन रोली, अरे सवा पची मन लिखो कले वो एक मावा की बोरी, सवा पची मन लिखो कले वो एक मावा की बोरी। बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि। सवा पची मन लिखो सुपारी सवा पची मन रोड़ी, अरे सवा पची मन लिखो कले वो एक मावा की बोरी। जी मावा की बोरी को नाम सुने और सभी बेश का उछल उछल पड़िया, मन में विचार करो नरसिंह जी महाराज तो मावा की बोरी लेना आए। नानी भाई की जेठानी अपना नारायण देवर ने कहवा लगी, रे देवर मारो भी सामान लिख ले। तो नारायण जी कहे बोल भाभी तारा कही जावे, तो भाभी सामान लिखा रही कई प्रकार। अरे बरस पीपली के चितरा चेपाने, अरे उतरा तो ले तो आज जर्री का जिताने, उतरा तो ले तो आज जर्री का जिताने। भगत वचन ले प्रभु सारे सब काम, भगत वचन ले प्रभु सारे सब काम। अरे नैनी भाई का मायरा के ठाकुर जी ने ध्यान, बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि। नानी भाई की जेठानी कहवा लगी, रे नारायण मारो सामान लिख के पारस पीपली के जितना छे पान, उतरा तो ले तो आज जर्री का थान। नारायण देवर कहवा लगी, भाभी
थारा बाप जमाराम भी अच्छे लुगड़ो देखियो कदी नेट की साड़ी तक ने देखी दो दो लुगड़ा ऑर्डर कतरा ही शाला काट दिया और आज जरी का थान मंगा रही पण कई करो नरसिंह जी महाराज ने तो कुल मिलान उठा अबई ने देना अतरा के महीने सब अपना अपना सामान निकालिया अब नानी भाई की दादा सासू जय एक ओगरी का महीने सुती सुती दो ही पग आले को ना दो ही हाथ आले को ना खाली मुंडो मुंडो आले जिमू रोटियां खा ले बोल ले बस दो काम करे वा डोगरी ओगरी में सुती सुती कहरी के नारायण मारो भी सामान निकले नारायण कहे बाबा थारा कहीं चाह रही हो तो मरबा चाल रही डोगरी के बल गिरे नारायण मारा मन की मन में रह जाए मारा बेने खींचे जो ले ना जाए कहीं तो डोगरी के बल गिरी अरे बूढ़िया बियाण जी ने उपजी सलाह अरे बूढ़िया बियाण जी ने उपजी सलाह के मारा हे मारा हे मारा मारा भगतो भाने ले तो आजे सोना की सलाह भगतो भाने ले तो आजे सोना की सलाह अरे सोना की सलाह लाजे सोना की सलाह इमारा पग धो भाने ले तो आजे सोना की सल्ला मारी यह इच्छा है कि मैं जीवता मरता जीवता सोना की सल्ला पर मारा पग दो बोचूं सोना की सल्ला लेना मुझे मारा बेइने कीजिए नारायण के बल लगे कांशा खान की पट्टी ले डोगरी या सोना की सल्ला तेरा बाप जी मारा भी देखी के बल लगे कि नहीं मारा बेइने कीजिए मार तो सोना की सल्ला ले रहा है अब सबको अपना अपना सामान निकायो अतरा का मैंने वहां की फैमिली पड़ोसन जरा की डोरा की वहां की भाभी वह पेमली पड़ोसन दौड़ नहीं ही तो एक आगू कानी एक आग तो अशी लागरी की जान को एक ढंग चढ़िया कुशल गाल मिलियो वह केवल लगी कि नारायण मारो भी सामान निकले क्यों ये भाभी तारे कहीं सामान चाह रही हो वह केवल लगी कि नारायण मारे जैसे सामान चाह रही हो उसे तो संसार में किसी का छाया ही नहीं थारो कहीं सामान भाई लिखता फटाफट बता दे तो पेमली पड़ोसन एक आगू कानी अपनो सामान लिखवा लगी कि नारायण जी मारी बात सुनो अरे कानी नार केवे सुन मारा प्यारा अरे कानी नार केवे सुन ले प्यारा अरे सवा पचीस मण काजल कहड़ा सवा पचीस मण काजल कहड़ा अरे कानी नार के सुन ले प्यारा सवा पची मन का जलकारा कानी नार के सुन ले प्यारा सवा पची मन का जलकारा जाके बिना नहीं होता गुजारा जाके बिना नहीं होता गुजारा नेना हारो तेज हट जावे रे नेना हारो तेज हट जावे नेना हारो तेज हट जावे फैमिली पड़ोसन केवल लगी कानी नार के सुन ले प्यारा सवा पची मन काजल काला क्योंकि नारायण मारो पत्रिका में सामान लिख मार सवा पचीस मन काजल छाई नारायण कहे भाभी अतरा काजल ने कहीं कह रही आके गांव का ना आधा आधा किलो बांटे तो कम न पड़े क्योंकि मारा आख्या में गालो या मालूम को ना आके गांव का कालो मुंडो कराए के कह रही फिर भी सामान लिखा दियो अब नानी भाई के पास में उदाहरण देवर जान के बल लगे भाभी देख तू घबरा मत थारो भी अगर कहीं सामान लिखाना हो तारा पिताजी के पत्रिका पहुंचा रही हां तू भी लिखा सके तो नानी भाई के बल लगे नारायण कागद पे नारायण मारो लिख दो ही इती अरे मायरो नहीं लावो बाबुल अठे आजोगी मती क्यों
कि पहली बात तो मायरा में मारो सामान लिखो ही मत। अगर था सामान लिख दियो तो मारा बाबुल या मारो समाचार लिख दो कि यो मायरो ले नहीं आवे एटा आवे तो बाकी एटा आजे ही मत अत्रो की लिख दो। नानी भाई लिखियो और नारायण देवर नगुआ पत्रिका लिखाई और श्रीरंग जी महाराज घर को ब्राह्मण को कलियो श्रीरंग लियो बुलाए पहले दिन ही पत्रिका जोशी हो कागद ले जाए। कोकले जी महाराज और एक नाई बाबू दो ही जना नवा पत्रिका दीदी और वाने क्यों कि या पत्रिका थाने जूनागढ़ देन जानो है नरसिंह जी महाराज ने देन आनो है और वाने कहनो है कि थाने मायरा के मैंने जरूर आनो। तो श्रीरंग जी केवल आ गया कि या पत्रिका लेन जाइयो मारा ब्याही ने खींचो कहीं। अरे खींचो राम राम मारा ब्याही ने अरे खींचो राम राम मारा ब्याही ने पर जारे बाल पटेर ले रे तू ना ध्यान आई ने पर जारे बाल पटेर ले रे तू ना ध्यान आई ने पहले दिन चालियो पांडियो कर कर मन में रोष बागा ताई पहुंचो जड़ो बीजे की न दोष। अरे बूटलो भी रामण था क्यों सुतो खोटी तान आका सासु आ गया ठाकुर का विमान ठाकुर का विमान। अरे बूटलो भी रामण ऊपर कियो उपकार अरे पल में पहुंचा दिया माने जूनागढ़ी द्वार जूनागढ़ी द्वार। अरे ठंडी देख ली अरे ठंडी देख ली ठंडी देख ली अरे छाई ने चारे बाल पटेर ले तू ना ध्यान आई ने बोल भक्त और भगवान की जय हो। नाई और बामण देवता दो जना वा पत्रिका हाथ में ले और बामण देवता नाई बाबा ने बोलिया रे देख कब श्रीरंग जी माने कतरा किलोमीटर जानो पड़ी जो किलोमीटर की तो गणती को ने कतरा कोष कोष को तो गणती को ना था कोष। बामण देवता केबा लागे रे नाई अपना दुनिया की जिंदगी है जे गेला में पूरी होई या पत्रिका ठेठ न पूछे अपन गेला में मरनो पड़ी घणी दूर जानो पड़ी पण कई करो जजमाना को काम करनो पड़ी। एक दिन चलिया मन में रोष होयो दूसरे दिन चलिया हाडा तीन कोस चलिया चौथे दिन एक बाग का महीना आंबा की छाया में जार सो गया। अब जो सुता भगवान ठाकुर जी महाराज को बेवान आयो और दो ही जना ने बेवान में नाकन जूनागढ़ में पहुंचा दिया। अब जो नाई बाबा की नींद खुली गेले जाबा वाला ने पूछा भाई यो कशो गांव है गेले जाबा वाला क्यों भाई साहब यो तो जूनागढ़ है। जूनागढ़ को नाम सुने तो बामण देवता ही झट बैठा हो गया। बामण देवता केबा लगे रे नाई बाबा सोजा यो तो आपनो ही गांव दिख रियो नाई क्यों का अपनो गांव कोने यो तो आश्चर्य को मारी नींद टेम पे खुल गई तो ये जूनागढ़ में उठ गया और घंटा गण लेट खुलती मारी नींद तो तीन चार कोस आगे भरा चाल दाल या तो गाड़ी एक्सप्रेस ही थी के मालूम ही न पड़ी कदी की पहुंच गया। अब केबा लगे के भाई नरसिंह जी महाराज है वहां का घर मैंने जानो है नरसिंह जी को माने द्वार बताओ तो गांव का मने केबल आ गया। अरे सीधा जाओ पांडिया ते सीधा ही बाजार केल तो जब भूखे भूते नरसी के द्वार। अरे आमा सामा होड़िया डोडी से पटसाल अरे राम जी का नाम काजी उठे झणकार वीरम उठे झणकार। सब काम नानी
सबई का मायरा की सांवरा ने ध्यान बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि गांव का पहाड़ एक तड़ाव है तड़ाव के पहाड़ पर एक कुटिया बनी दिखी है अनुको एड्रेस तो मैंने मालूम कोने पण अतरो के एड्रेस जाना के जी घर के पास में जाओ और उठे 16 सूर्य स्वामी आंदा खोड़ा लोला लोगड़ा काला गोरा सब कुटिया का मैंने बैठा होई और सब भगवान का नाम का जणकारा उठ रिया होई कोई ताला बजा रिया होई कोई मजीरा बजा रिया होई वही नरसिंह जी महाराज को द्वार है। अब नाई और ब्राह्मण देवता दो जना नरसिंह जी महाराज के द्वार पर पहुंचे जान देखा कोई तो मैंने तो 16 सूर्य स्वामी जालर शंख बजा रिया कोई भगवान की आरती पूजा कर रिया कोई भगवान का नाम को जणकार उड़ा रिया। ओहो नाई बाबू के बल आयो महाराज अबे तो भूख भी जोर की लागबल आएगी फटाफट या पत्रिका नरसिंह जी महाराज ने देओ और भोजन करो और अटो पाछे रवाना हो जाओ। अब ब्राह्मण देवता नरसिंह जी महाराज ने केवल आ गया नरसिंह जी महाराज अरे लो जी नरसिंह जी ताकी कंकु पत्री लो देखो नाई और ब्राह्मण देवता पहली तो भूखा और अटने ज्ञानदास जी मानदास जी कही कहरिया ज्ञानदास जी केवल आ गया मानदास भाया घना दिन में धमाको होयो कोई नु तो देवा आया क्योर के घना दिन में कोई अपना द्वार पर आया कोई जीमा को नु तो देवा तो ना आया अतराकर मैंने तो नई ने भूखा मरता अनाड़ा की चौधरा को नीचे पड़ गयो शोरदास जी कह रहे कि ऊंचा और ऊंचा हो कहीं अरे बेटी का बाप उन लाडवा की पोट लायो जा नीचे पड़ गई या नंगा कोनी जो नई नीचे पड़ गयो। अब ब्राह्मण देवता के बोला क्या अरे लो जी नरसिंह जी ताकी कंकु पत्री लो अरे तीन दिन सो भूखा आया रसोई तो दो। अब नरसिंह जी महाराज के बोला क्या ले बाने दे बाने बीरा राम जी को नाम तुलसा की माला फेरो सेओ साड़गरा क्योंकि ले बाने दे बाने राम जी को नाम थाने कतरा दिन हो गया भूखा मरता नाई और ब्राह्मण देवता के बोला क्या माने 6 दिन हो गया नरसिंह जी महाराज के बोला क्या बेटी का बाबू 6 दिन में ही घबरा गया माने 3 महीना हो गया कुल्ला पाकर लेने गया आज जो टेंशन ले रहे हो घबराओ मत कई प्रकार नरसिंह जी महाराज के बोला गया बजलो रे दीन दयाल पांडिया बजलो रे दीन दयाल बजियो रे दीन दयाल पांडिया बजलो दीन दयाल हे बजियो मदन गोपाल हरि गुण गाओ नरसिंह जी महाराज के बाला गया भी भगवान को नाम ले बाला आग जो ऊपर वालों सब दे भगवान का कर देर है लेकिन अंधेर नहीं है सब ने भोजन दे के चिंता मत कर बावला चिंता करे रघुवीर पेली रुचक लिकाई के पांचे रचो शरीर क्यों का अपना रुचक पहली लिख दिया भगवान भगवान सब ने दे बोलो नाई बाबू केवल लगे को ब्राह्मण देवता था तो कह रिया गया बच्चे बुच्ची जिंदगी गेला में पूरी होई मरबो तो अटे लिखियो तो को अट मरनो पेड़िया बंद है ने तो नाई बाबू के बोला क्यों हाल तक बण्यो नगी रे माल पेट में चूहा करे कमाल हाल तक बण्यो नगी रे माल पेट में चूहा करे कमाल दीन दयाल पांडिया बचियो दीन दयाल हे बचियो मदन गोपाल हरि गुण गाओ जी बोले सावलिया सेठ की जय हो। अब नरसिंह जी महाराज वह पत्रिका अपना हाथ में ली और चले देखो आप पंथ द्वारिका पी पड़ी पहुंचा पास में जाए दर पत्रिका पाछे फिरिया सावरियो नीनी उठाए
नरसिंह जी महाराज द्वारिका का रास्ता के ऊपर एक पीपली ही पीपली के नीचे जा और वो पत्रिका ने भाटा का नीचे रख और केवल आ गया है मारा सांवरिया कि मैंने तुझको अपना माना तू माने या ना माने, मैंने तुझको अपना माना तू माने या ना माने, अरे मैंने मेरे मन की कह दी तेरे मन की तू जाने, क्योंकि हे सांवरिया सेठ या पत्रिका मारा ना या पत्रिका थारा ही है और थारी बहन नानी यानी कि मारी बेटी जी ने नगर अंजार पढ़ना ही है उनको मायरो लेन तन आणो है और क्यों, क्योंकि मैं निर्धन हूं, निर्धन को सब जगह से परंपरा की रीत, निर्धन आपको देश हसे, नरसिंह जी महाराज को भगवान हसन हो जाओ, मारी हसी हो जावे, आपने लाज रखनी है और नानी भाई को मायरो भरनो है। जू नरसिंह जी महाराज पत्रिका ने नीचे रखी और पाचा फिरिया और भगवान सांवरिया सेठ अपना हाथ उठाली और अपना माथा का लगा ली, बोले भक्त शिरोमणि सेठ की, बोले लखदातारी की, सांवरिया सेठ वा पत्रिका उठाली और नरसिंह जी महाराज भगवान ने देखो आप करुण भरी पुकार करवा लग गया और सुना बा लगे कई प्रकार, अरे सांवरिया के आगे खड़ा हूं कर चोर, अरे मायरो परे लो मारो प्यारो नंद किशोर, सांवरिया के आगे खड़ा हूं कर चोर, मायरो परे लो मारो प्यारो नंद किशोर, अरे घर घर मांगू रोटी खड़ा खड़ा खाऊं, नानी भाई को मायरो कैसे भर पाऊं, अरे थे ना सुने ला सुने लो गुण और, थे ना सुने ला सुने लो गुण और, मायरो भरे लो मारो प्यारो नंद किशोर, नरसिंह जी महाराज करुण भरी पुकार भगवान सांवरिया सेठ ने सुनाई, भगवान सांवरिया सेठ पत्रिका ने अपने सर पर और बेगुंट में पहुंच गया। अब नरसिंह जी महाराज सोलह सूर्य स्वामी ने अपने घर और घर वाले ने केवल आ गया कि देख अपनी बेटी नानी भाई को छोरी को ब्याह मंडियो है, अपन मायरो लेन चालनो है और अपन टाइम पे पहुंचनो है। नरसिंह जी महाराज के घरवाली केवल आ गई किया साधु संता की फौज बना मिली है, थन मालूम कौन गया साधु संत बुरी बला है, या ना उठे मत ले जाइयो, पहली बात तो था जाइयो मतन जाओ तो यहाँ साधु संता ने उठे मत ले जाइयो। अब नरसिंह जी महाराज अपना भाई बंदा के साथ में द्वार पर जान के बला गया, अरे नरसिंह तो फिर रे बीरा भाई बंदा के द्वार, अरे मायरे चढ़ने बीरा हो जाओ तैयार, नरसिंह जी महाराज अपना भाई बंदा ने केवल आ गया रे भाई थाने मायरा में चढ़नो है तो भाई बंदे केवल आ गया, मारा तो घर मेरे नरसिंह गणो जी की जे काम, अरे आंधिया ने ले जा थारे भज श्री राम राम, क्यों रे मां का घर में तो घणो काम है या साधु संतान ने ले जा थारे अंदर राम नाम को सुमिरन कह रही, तो नरसिंह जी महाराज केवल आ गया, अरे नानी भाई का मायरा को भाया जस लो, अरे मायरे नहीं चालो एक कापड़ो तो दियो, तो क्या बोला गया कापड़ो हो तो रे नरसी देता तो खरा, क्यों रखा मागा ने का कापड़ो घटे थारा ने का माया ही जो 14 करोड़ रुपया भगवान का नाम पर लुटाया थने ऐशो कहीं मुझे आयो और अब थू मां की आंख लगान भर तो भर जो है
बाया का भरोसा तू बली मंडाई मूछ और माँ की नहीं रे नरसी एक टका की पूछ माँ की तो पूछ को ना थारी घनी पूछ है भगवान के पास में साधु संता के साथ में तू तो अकेलो ही चले जा मायरो भर बदली नरसी जी महाराज केवल आ गया के नानी भाई का मायरा को भाया जस लियो अरे माये ने चालो गाड़ी में तो दियो केवल आ गया भाई था मायरा में चलो और न चलो तो ताके पास में गाड़ी वेता मन दे दो गाड़ी लेन मु मारा मायरा में चलो जाऊं भाई बंद केवल आ गया रे नरसी गाड़ू नी होती तो नरसी देता तो खरा चौमासा में बारे रेगी टूट गया अरा क्यों रे गाड़ी होती तो रन देता पर चौमासा में हुआ तो गए साल की बाड़नी पड़ी जाऊंगा तो अरा टूट गया पेड़ा गटा पड़िया जूड़ा गटा पड़िया गाड़ी गटा पड़ी गाड़ो गटा पड़ियो आहा बीनी ने चुनी ने नरसी भेड़ा तो किया अरे गाडोली तो मिलगी बेले मांगना रिया अब नरसी जी महाराज ने टूटी गाड़ी मिलगी पेड़ा ने फसाया गाड़ी ने हराश करी जुड़ा जुड़ी बांधिया अब गाड़ी मिलगी अब तो खाली बेल मांगना रिया तो भाई बंद केवल आ गया रे नरसी बेलिया होता तो नरसी देता तो खरा नाता वहां की काट ली वे गोबर में पड़िया क्यों बड़दी माँ का तो बूढ़ा हो गया वे गाड़ी में चले जिसे कौन वे तो आज मरू काल मरू काल मरू आज मरू कर रिया तो नरसी जी महाराज बेलिया के पास में गया और कई केवल आ गया अरे उठो मारा बेलिया थे भजलो राम राम अरे नानी भाई का मायरा को सारे दीजो काम नानी भाई का मायरा को कारज करो अरे मायरो भर जावे पाछे बेला ही मरो क्यों रे किसान किसान मारी गाड़ी ने नगर अंजार का मैंने पहुंचा दो और गाड़ी नगर अंजार में पहुंची और बचे बाद में बोली दम मर जाओ पीछे कहीं काम का कौन आहा टूटी मिल गई गाड़ू लीन मुंडा मिल गया जंद बेलिया का मुंडा मैंने डाड न कोई दंत न तो वहां बड़दा का मुंडा में दांत है न गाड़ी का पहिया हराश है आहा नरसी जी महाराज अब अपनी गाड़ी का मैंने कहीं इधर देखो आप अरे सवा मण गोपी चंदन गाड़ी में धरियो अरे सवा मण गोपी चंदन गाड़ी में धरियो अरे बीच में सांवरिया जी को सिंहासन धरियो बीच में सांवरिया जी को सिंहासन धरियो सवामण गोपी चंदन गाड़ी में धरियो और बीच में सांवरिया जी को सिंहासन धरियो नरसी जी महाराज साधु संतान बैठान लिया गाड़ी के मैंने एक कपड़ा की पोट ले ली किसी वे लोटिया सोटिया लंगोटिया जोड़ी झंडा हाँ जरा सबने भेड़ा कर गांठनी बांध ली गांठनी गाड़ी में मेल ली सवामण गोपी चंदन भर लियो बीच में भगवान ठाकुर जी गोपाल जी को सिंहासन मेल लियो और अब देखो आप गाड़ी चालबो शुरू हुई नरसिंह जी महाराज की गाड़ी चाल बोल सोरे सोलह सूर्य स्वामी गाड़ी के महीने बैठा और बूढ़ा बूढ़ा बड़द जाके न तो कोई जोत है न कोई नाथा है न कोई सरकार बागो राशि है अब नरसिंह जी महाराज गाड़ी में बैठे और भाई बंद नरसिंह जी महाराज का अपना अपना द्वार पर उबा नरसिंह जी महाराज ने हंस रिया देखो आप नरसिंह जी महाराज की गाड़ी चाल बोल शुरू हुई और भाई बंद कई प्रकार हंसबा लग गया नरसिंह जी महाराज ने अरे कटे गाडू लिन टुटा रे कटे बेलिया पड़े कदी तो गाड़ी को पेलडो निकल जावे और कदी बड़द पड़ जावे अब सब लोग हंस रहे देखो आप कटे गाडू लिन गुड़े रे कटे बेलिया पड़े भाई बंद केवल आ गया नरसी ने अरे माहिरो भर रे कई माहिरो भर रे माहिरो भर रे कई माहिरो भर रे भरे
खेल एक ने उठावे जत्र दू जोड़ो पड़ जावे, दूजा ने उठावे जत्र पहियो निकल जावे, पहियो ने पसावे जत्र तू मड़ा गुड़ जावे, तू मड़ा की लागे फटाफड़। अरे तू मड़ा की लागे फटाफड़ आंधिया कुरड़ावे। अरे भाई बंद नरसिंह का बोलिया इन कड़ाकंद भावे। अरे भाई बंद नरसिंह का बोलिया इन कड़ाकंद भावे। अरे कड़ाकंद खमताई लाड़ा पड़े, कड़ाकंद खमताई लाड़ा पड़े। अरे माहिरो भर अरे कई माहिरो भर, माहिरो भर अरे नरसिंह माहिरो भर। भाई बंदे ऐसे मजाक कर रहा है, कटा बड़द पड़ गया, कटा गाड़ी उधर गई, कटा पेड़ो कट गयो, पेड़ो नीचे पड़ते ही पड़ी तो तलाई में जा पड़िया। कोई सूरदास जी पड़ गया तो वहां ऊपर ना तूमड़ा गुड़ गया। सूरदास जी पानी में उबा उबा घेर यार घेर लो घटी मैंने बता दो तो दोया क्यों आंदा दी कही कौन गेडियो कण कटे पड़ गयो लादियो कौन आंखों दिन हो गयो माने नगर अंजारू पाण ने निकले अंदर नष्ट हो गयो दिन नष्ट होयो। गाड़ी गांव के बाहर निकली वीरान जंगल के महीने पहुंची जी वीरान जंगल में पहुंची नरसिंह जी महाराज भगवान वर्ज करी गई मारा समरिया किसान किसानी नरसिंह की गाड़ी ने पार लगा दे और मारे नगर अंजार पहुंचा दे। हाथ लियो बसोलो सांवरे कांधी धरी करोत। अरे बरखाती को रूप सांवरियो नरसिंह सो की दंडोत। भगवान सांवरिया से एक खाती को रूप धारण कर आया और नरसिंह जी महाराज दंडवत प्रणाम करो और केबल आ गया कहे नरसिंह जी महाराज। अरे गणी दूर सो दौड़ियो थारी अरे गाडू निकला। अरे गाड़ी में बिठा ले नरसिंह ओ चालो ला नगर अंजा। गाड़ी में बिठा ले बाबा चालो ला नगर अंजा। भगवान खाती का रूप में गिरे नरसिंह जी महाराज क्योंकि हमारे भी नगर अंजार चाल लो है किसान किसान मैंने भी ताकि गाड़ी में बिठा लो। नरसिंह जी महाराज के बल अगर भाया पहली तो गाड़ी उलाल हो रही और थू बैठ जाए तो गाड़ी दरार हो जाए। ये गाड़ी ने किसान ले जावा पहली तो टूटी गाड़ी मल गई बूढ़ा बूढ़ा बड़द मल गया। अतरा का मैंने तो ज्ञान दास जी मानदास जी और दशरथ दास जी के बल गया। अरे ज्ञान दास जी बोलिया गाड़ी ने तोड़े लो। मान दास जी बोलिया तू मड़ा फोड़े लो। गणी भीड़ से टूटे मारो अरे गणी भीड़ से टूटे मारो इक तारा रोता। गाड़ी में बिठा ले बाबा चालू ला नगर अंजा। भगवान के वाला गया अरे नानी भाई को बात देख बा चालूला थाली माही पूर्ण पावलो गालूला। अरे तीन दिना तक जी मूला। देखो भगवान नरसिंह जी महाराज ने कह रहे हैं अरे तीन दिना तक जी मूला चौकी जी मनहा। गाड़ी में बिठा ले नरसिंह चावला नगर अंजा।
दासी के बल अगर कट गाड़ी ने तोड़ी मान दासी करो तुम बड़ा फोड़ी सूरदासी के बल अगर भाया घनी भीड़ तू मारो चौतारा को तार टूट जाए तो भगवान का भजन किसान कह रू तू शिकर माँ का एक बड़ा ज्यादा ही बुड्ढो अगर थारी इच्छा बहन तू कह तो वह तो ये बड़द ने हटी छोड़ दा एक बड़द हटी जूझ जाए एक हटी तू जूझ जा भगवान केवल लगे या बात जो हाँ या बात ये गाड़ी में ताना न बटाना ये गाड़ी में सीटी खाली कौन है भगवान कह रहे सीट खाली कौन है तो कहीं बात करो मैं तुम्हारा फाटक कहीं लटक जाऊं पर मैंने पड़ो बटानो ही देखो भक्त के लिए भगवान अतरा उतावड़ा हो रहा है नरसिंह जी महाराज केवल लगे ना भाई साहब आप नहीं मैं न बिठा सका कहा कहा कमा की टूटी गाड़ी ने बूढ़ा बेल भगवान क्यों क्या बात जो कहा भगवान केवल लगे अच्छी चिंता करी गाना कतरा की गड्डिया सुधार दी सूरदास जी केवल लगे रे बाते उधार बाड़ो हो तो दिन में हाथ रात कही अब अंधारी रात में गाड़ी अक्षण सुधारी भगवान केवल लगे सूरदास जी थाना नदी का तो कोई धरती पर सब नहीं नदी का मन तो दीख रही हो तो केवल लगे भगवान देखो आपके प्रकार अरे हाथ माही अरे कांदे दरी करो ते बसो लो और पाती अरे कांदे दरी करो ते बसो लो और पाती अरे किसनो मारो नाम जात को मैं खाती अरे कहीं चिंता की बात करी अरे कहीं चिंता की बात करी तेरी गाड़ी दे सुधा गाड़ी में बिठा ले बाबा जाऊला नगर पंजा और भगवान आण तो लगायो प्रभु गाडूली के हाथ आण तो लगायो भगवान गाडूली के हाथ सोना हंदी गाली जड़की हुला हंदा पात टूटी की गाड़ी ही भगवान सांवरे सेठ की कृपा होगी थोड़ा मिनट भगवान की कृपा और देखो आप टूटी गाड़ी की प्रकार बनी अरे टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी नरसी गावे भजन सुनो मारा श्याम धनी जोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी दर्शी गावे भजन सुनो मारा श्याम धनी अरे सूर्या सामी मोर थपेड़ जी भगवान गाड़ी का हाथ लगायो गाड़ी हीरा आंधी बन गई जान कोई रथ अन बड़ा देश हो गया घोड़ा की जात अब सूर्य सामी गाड़ी के मैंने बैठे हैं जान ऐसी चालू करी भगवान सूर्य सामी गौर को वारे मारा भाई बेटी का बाप मांगे तो गाड़ी नहीं वीडियो कोच करना की अब भगवान का मोरा में धन्यवाद दे रिया शाबाशी दे रिया आधा घंटे हो गया अगले जना एक एक मोरा में दी तरह तो भगवान का मोर राता राता हो गया बाजू भगवान के बोला घणो धन्यवाद बोझे मर पर लाइक धन्यवाद था कहने कही रखो अब भगवान वहां की गाड़ी में चली देखो आप कई प्रकार अरे बेली ऊपर बैठ नार क्या चणकाया अरे सूर्या हो गया राजी मन में मुस्काया अरे झूड़ी ऊपर बैठ नार क्या चणकाया सूर्या हो गया राजी मन में मुस्काया पल भर माही आगे सीटी अरे पल पर मांगी आगे सीटी पहुंचा नगर अंजा गाड़ी में बिठा ले बाबा चालू ला नगर अंजा
भगवान वहाँ की गाड़ी ने हरास कर और वहाँ नगर अंजार के महीने पहुंचा दिया। अटी ने नानी भाई का देवर जेठ सास ससुर सब जना सुनो को नरसिंह जी महाराज 16 सूर्य स्वामी के साथ में पूरी फौज ले साधु संत की जमात ले गाड़ी के महीने तुमड़ा भर और देखो आप मायरो भर बगली आ गया। तो कोकड़े जी महाराज वहां मिलिया कोकड़े जी महाराज सारो हाल बतायो कि वहां का पास में कहीं कोने लोटिया सोटिया लंगोटिया हाँ जाएगी सबकी गांठ बांध लिया यार तुमड़ा भर लाया गाड़ी के महीने। तो नानी भाई का देवर जेठ और सास ससुर के बल लगेगा ये काम करो जो अपना पुराना घर है वहां घरा का महीने वहां का डेरा दे दो। आहा नरसिंह जी महाराज का डेरा दिया वहां मकान देकर नरसिंह जी महाराज को दिमाग खराब हो गयो किसान के नरसिंह निर्धन धान के डेरा दिया चीचड़ माकड़ अति गणा अरे जुआ खावे तोड़ अरे नावड बाने गोदड़ी अरे ना माचा के बाण अरे सूर्य सामी सिया मरे रे ना कोई जान पिछान मा कहना कोई जान पिछान भगत वचन प्रभु सारे सबका ओ भगत वचन प्रभु सारे सबका नानी भाई का मायरा की सांवरिया ने ध्यान ए नानी भाई का मायरा की सांवरा ने ध्यान बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि नरसी निर्धन दान के डेरा दिया को ठोड़ चीचड़ माकड़ थी गणा जुआ खावे तोड़ ना उड़वाने गोदड़ी ना माचा के बाण सूर्य स्वामी श्या मरे ना कोई जान पहचान। आदि रात बीत गई अब ठंड लाग रही ठंड को कहीं जाप दो करे उठ तो कोई जान पहचान ही कोने। मानदास जी के बल गया नरसिंह जी का आशा थी वो तो एक बात बताऊं क्योंकि कहीं अब देखो ठंड तो लाग रही गाँव में जान पहचान ही कोने। एक काम करा कई बड़े घर का मैं पुराणो मांग लू अन ये गाड़ी ने काटवा दो मैंने छोटा छोटा टुका करवा दो। नरसिंह जी को रखा रखा कई मीने लान तापा इमो और कहीं करा गाड़ी ले गया टूटी फाटी जिन्हें फाड़ फुड़ान फासरा कर करा ताब लाई गया। नरसिंह जी महाराज को अब तो सब भगवान का हाथ में आगे हो जो हो जाए वर्तमान में तो जीव ने डबो क्षण क्षण 3 महीनों अब हमारे भूखा दशा हाल तक भोजन की कोई ना पूछो और पुराना मेल मारिया टूटा फूटा झूपड़ी के मैंने नरसिंह जी महाराज का डेरा दे दिया। अब नानी भाई सुनियो का अपना पिताजी आया है तो पिताजी के पास में की और नानी भाई अपना पिताजी का पगा में धोक दे गले मिल और देखो आप रुदन करवा लगी और नरसिंह जी महाराज ने केवल लगी के बाबुल ये सुने बाबुल मारा मैंने डोला जा आयो रे सुने बाबुल मारा मैंने डूला जाबा आयो सुने बाबुल मारा मैंने डूला जाबा आयो सुने बाबुल मारा मैंने डूला जाबा आयो केवल आगे अपना पिताजी ने अरे माँ जो होती तुम्हारे लाती रे मायरियो माँ जो होती तुम्हारे लाती रे मायरियो ओ नहीं कोई जामन जायो रे सुने बाबुल मारा मने क्यों ला जाबा आयो
नानी भाई के बाल लगी के पिताजी नहीं तुम्हारे जन्म की माँ है, नहीं कोई हमारा सगो भाई है। आज अगर हमारी माँ होती तो ये कापड़ो ले आ जाती, अगर मारो भाई हो तो गरीबी देख दो, अमीरी देख दो, सुख देख दो, दुख देख दो, लेकिन टाइम पे मैंने चुनरी लार वोड़ा तो अब थाने तो मालूम को नया कई चीज है मायरो, आप तो साधु संतान ले आया और था कि तो हंसी हुई जो हुई और मारी भी हंसी उडाबा के लिए आया और आप आए गए लेवा भगवान पिताजी आप ऐसी करो जी गेलो आया वो गेलो पाचा रवाना हो जाओ ताकि मारी इज्जत मारी पोजिशन बनी रह जाओ। नरसिंह जी महाराज खबर आ गया नानी तू घबरा मत, सवरियो सेठ आई और थारा जरूर मायरो लाई। अब नानी भाई अपना पिताजी से आज्ञा ले और अपना ससुराल का घर आवा लागी तो नारायण जी देवर केबल आ गया नानी थारो बाप तुम्बा गाड़ी पर लायो है थारा छारे में तो लिया थारी जिंदगी में एक चुंदड़ी तना कोई न उड़ी और आज थारा पिताजी आया तो वहां का न कभी कहीं कौन है। अब नानी भाई बड़ी परेशान नानी भाई मन में विचार करियो अरे नारायण का बोल सुनिया नानी की भर की छाती अरे गागर उठाया सरवर नानी नीर भरबा जाती। अब नारायण जी का बोल काल जी लग गया नानी भाई गागर उठायो और सरोवर यानी कि समुद्र का पाड़ पे जा तालाब की पाड़ पे जा और देखो आप कई रुदन करबा लागी और कई प्रकारों रोबा लागी ए मारा सुमा बीरा रे अरे डूब मरूं जल माए असी मारा हे मन में आवे रे मारो चौकी हो जोरे नानी भाई सुआ बिरा ने कहरी कि मारा सुआ बिरा रे कूद मरू जड़ माए ऐसी मारा मन में आवे रे जन की मेरी की मां बाप मारो जोगी हो गयो। तो सुओ बीरो नानी भाई ने केवल लागियो नानी भाई हे बेन तू घबरा मत ये मारी नानी भाई ये मन में धीरज राख सवरियो बात पर लो ये नानी भाई सुवा बीरा ने कहवा लगी रे सुवा बीरा अगर आज मारो बीरो सावरियो ना आई तो मैं समंदर का मैंने खुद और प्राण त्याग दिए जटा तक सावरियो सेठ मारो न मिले लो सावरिया सेठ को संदेशों में न मिले लो उठा तक मुई तलाव की पाल पे खड़ी रूला और दिनास्त होता ही मैं भी एक मेहनत समा जाऊंगा एक मेहनत खुद जाऊंगा। अब जंगल का पशु पक्षी सब परेशान सुओ बीरो समझे नानी भाई ने न मानी एक लंगड़ो मोरियो चुगो चुगो तो को नानी भाई के पास में आयो नानी भाई रुदन करती जा रही और वो जंगल का मोरिया ने कहीं अर्ज कर रही है देखो आप अरे मोरिया बागा का बासी रे मोरिया जंगल का बासी साचा सुगन बता दे मारो बीरो कद आसी रे मोरिया पागरा बासी रे मोरिया जंगल का बासी साचा सुगन बता दे मारो बीरो कद आसी
अब नानी भाई क्या लगी? अरे सोना कीरे थारे चोंच बनाऊं, चांदी का पंख लगाऊं मोरिया, चांदी का पंख लगा। सोना गिरे तारे चोंच बनाऊं, चांदी का पंख लगाई मोरिया, चांदी का पंख लगाए। एक संदेश दीजे मारा बीरा ने, अरे बेगो मिले मसु आए ए मारी मत कर जे हाँसी रे मोरिया, मत कर जे हाँसी साचा सुगन बता दे मारो पीरो कद आसी मोरिया। बोले भक्त और भगवान की जय हो। लेकिन सजनों का भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। नरसिंह जी महाराज राग केदारा को वरदान हो, केदार और राग सुनायो, और भगवान श्याम बैकुंठ लोक में सुता तका राधा रुक्मण वहां का पांव दबा रहे है। लेकिन भगवान एकदम अपनी पलक खोली, एकदम नींद उड़ी तो राधा रुक्मण के बल आगी भगवान आज माँ की चूक चाकरी में आखे चूक पड़ी, अरे काची नींदा में क्यों जाग गया हरि। क्योंकि भगवान माँ की सेवा चाकरी में कोई चूक रहेगी जो आप काची नींद के मैंने उठ गया। भगवान के बल गया आज मारा भगत नरसी पे गाठी भीड़ पड़ी, अरे माई रो ले जानो नानी के आज की घड़ी। भगवान क्यों कह रहा था मारा भक्त नरसिंह में गाठी भीड़ पड़ी है, आज मारी बहन नानी भाई के मन माई रो ले जानो। राधा रुक्मण के बोला कि भगवान झूठ बोल रिया। भगवान क्यों कहा? राधा रुक्मण के बोला कि भगवान था तो कदी क्यों कोन मन मारी बहन मां के नणंद जी के मन आज नंगे पड़ी, और मां के नणंद कटे है जो को मृत्यु लोग पे। राधा रुक्मण के बाल भगवान यो मायरो किसान भरे। भगवान के बाल गया कि भाई बेन के जब घर में कोई बाल बच्चा को मांडो मंडे तो वो भाई वो बेन ने और पूरे ससुराल का वका देवर जेठ सासू बहने जेठने ने सब के चुनड़ी ले जावे और सब का कपड़ा ले जावे। तो राधा रुक्मण के बल लगी कि था की बेन तो मां का ननद हुई और मां की ननद ने मां कभी देखी को नहीं। भगवान मैं भी था के साथ चाला और आप मायरो किसान भरो जो मां भी मायरो देखा। भगवान के बल लगी आएगा राधा रुक्मण वो मृत्यु लोग उठे था का बस को हो तो कोने उठे मैंने अकेला नहीं जाबा दो। राधा रुक्मण हट पकड़ ली भगवान मां भी चाला। भगवान जान गया कि राधा रुक्मण चाल लिया हट पकड़ ली। ये दो चार तरह की हट खराब होया करे ध्यान राख जो एक तो बाल हट राज हट योग हट और तरिया हट। बालक भी अगर कोई चीज के लिए टकी पकड़ दे तो उन्हें लान देनी पड़े। साधु संत के द्वार पर आ जाओ तो उन्हें मुठी गांठ कौन का मिले मैंने वो भी न डिगे। राजा भी किने कहते कि इन्हें फांसी का हुक्म तो वहां का हुक्म न भी कोई न टाल सके। अन चौथी हट या औरता की तो बड़ी माँ खराब हट है। अब इन्हें आपने खेबा की जरूरत को मैंने खेबा की कहीं जरूरत को क्योंकि यहाँ तुरंत ही चूक पड़ेगा। देखो जी फलाना भाभी जी के तो नेट की साड़ी लाया मारे लाओ तो ठीक ना जो देख जो ताकि मक्की में पक्का पड़े जो अच्छा कहीं करो महाराज लान देनी पड़े पीसा उधार ही ले बोले रोजगार गारंटी की खाचे ही खोदा पड़ी यानी तो नेट की साड़ी ओडा। राधा रुक्मण हट पकड़ ली तो भगवान के बाल अगर राधा अगर था उठे चलो ला तो थाने चार पांच काम करना पड़ी। राधा रुक्मण के बाल लगी भगवान कशा कशा तो भगवान के बाल लगा देख पहलो काम यो करना पड़े लो। अरे नरसिंह जी का सगा छे में आपना सगा, अरे बूढ़े बियान जी के लाग जो पगा। क्योंकि नरसिंह का सगा छे में आपना सगा अरे बूढ़े बियान जी के लाग जो पगा वह डोगरी ओगरी में हुती जी का पगा में दोग देनो पैड़ी बोलो दे दियो। राधा रुक्मण क्यों हो भगवान दे दिए मां दोग दे मां कहीं मां तो हब सब कहीं दे दिए मां दोग में कहीं पर मां तो मायरो देख बा चाला जो चाला ही। और दूसरो काम
अरे नानी भाई के नहीं राधा जन्म की मां, नानी सो थाने मिलनो पड़सी कंठी लगाए। क्यों राधा रुकमण, नानी भाई के जन्म की मां कोने उनको थाने गले मिलनो पेड़ी, उन्हें कंठों लगानी पेड़ी, अनुवार होए तो थाने भी रोनो पेड़ी। राधा रुकमण क्यों भगवान माँ की जिंदगी में खदी न रोई मई होशरी खदी खदी मगा क्या मुंह आंसू निकले तो हो रहे। पर आज पहलो मौको है और तीसरो काम ध्यान रखता रिजो कशो थे मत जानो राधा रुकमण पति मारो श्याम। अरे नानी भाई की सासु आगे करनो पड़सी काम, क्योंकि था उठे शेटाने मनन पड़ती बरेली ये लिपस्टिक न बोरो पलसन ने साड़िया वाड़िया सब उठे। हाँ कहीं हार नानी थाने काम करनो पेड़ी आ जाए मुको थाने पादना तो अपनी पेड़ी थाने पानी भर लानो पेड़ी। राधा रुकमण क्यों भगवान भर लिया वहां। और चौथो और पांचो काम यो ध्यान राख जो कशो। अरे दो रानिया जेठानिया ने था जे का राधे दियो। देखो राधा रुकमण उठे चाहे छोटी हो न बड़ी हो काए काए न करनो, छोटी हो तो उन्हें काओ यूं ही कहनो। कहां का नानी भाई को ससुराल यानी कि था उनकी भोजया बनन चाल रही हो तो भोजया तो ब्याण जी हो ने ब्याण जी ने काओ का वही खेवे। और पांचो काम इको पूरो पूरो ध्यान राख जो कशो। अरे दो रानिया जेठानिया ने था अरे जे का राधे दीजो। और पांचों काम पण नानी भाई की नणदूली से डरता ही रीजो। पर नानी भाई की नणदूली से डरता ही रीजो। भगत वचन प्रभु सारे सब काज नानी भाई कमाई राखी ठाकुर जी ने लाज। बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि। भगवान केवल आ गया कि दोराने जेठाने ने था जयकारा दीजो। पर नानी भाई की नणदुली से डरता ही रीजो। नानी भाई की नणद जाना बिजली को बटको छेटी रीजो था को ऊपर पड़ जावली बात ध्यान रखता रीजो। उनको डरता ही रीजो था डरबा में सार है। राधा रुकमण क्यों भगवान मां भी तैयार हां। अब भगवान नानी भाई को मायरो लीजा बकली। देखो आप शेठ को रूप धारण करियो कशान पचरंगी शापो बंजो कलम कान में घाल। अरे पचरंगी शापो बंधो कलम कान में गाल। अरे बण सेठ सांवरियो जट बोड़ पड़ियो नंदलाल। भगवान कुबेर जी महाराज ने आदेश दियो सोना चांदी हीरा पन्ना जवारात माणिक मोती कुखराज अन धन लक्ष्मी कपड़ा वस्त्र सबका। देखो आप दर्जी बुलाया और माने सिलसिले और कपड़ा की फोटा रथ के मैंने मेलबल लगाया अन अटने राधा रुकमण वहां के। देखो आप मायरो देख बाग लिए जानो तो दो ही जिया तो नेट की साड़ी ओढ़ी तो अच्छी ओढ़ी को पूछो मत बात उल्टो भन्नो अन वही बोरो प्लस क्रीम पाउडर लिपस्टिक मुंडा के लगायो अन दो ही जिया ऐसी गौरी गट बनन रथ का महीना बैठ गई। भगवान शापो बांधन रत्न आंख बाला गया। अब जी रथ चाल बाला गयो चाल तो दौड़ बाला गयो दौड़ तो उड़ बाला गयो। फेली डामर रोड ना महाराज कचा कचा रोड पे उड़ता गुणो धूलो उड़तो। अब जी भगवान को रथ काचा रोड पर दौड़बा लाग्यो अन कह दौड़ो उड़बा लाग्यो अन कह राधा रुकमण का वो बोरो प्लस में दौड़ो पड़बा लाग्यो अन कह राधा रुकमण अर्ज करबा लागी भगवान ने। अरे आछी रे बटाणी थारा रथीड़ा हम। अरे आछी रे बटाणी कना रथीड़ा हम। अरे धूलो तो लाग्यो रे घोरा मुखड़ा पे। अरे आछी रे बटाणी थारा रथीड़ा हम। और राधा रुकमण के बाल की भगवान था का रथ ने तोड़ो धीरे ही आंख दो। सांवरा जी के बाल आ गया रथ धीरो न पड़े इमें तेल न रोई एवरेज भी बढ़िया चाल बाद
अगर मुंह इन धीरो पटक दे तो मारो भगत मैंने शराब दे दी तो मैंने और दुख देखनो पड़ी। तो राधा रघुमन के बाला की माँ का कहता हूँ रथ धीरो न पड़े, कृष्ण भगवान क्योंकि धरती की किसी शक्ति आ जाए मैंने कहते कि रथ ने धीरो पटक दे तो रथ धीरो न चलेगा तो शानी चाली। तो राधा रघुमन के बाला की अरे क्यों रतिड़ो तो थारो खटी खटी बोले, अरे क्यों रतिड़ो तो थारो खटी खटी बोले, अरे दर्द उठो रे कड़े जा मैं, अरे आची रे बटाणी कन्ना रतिड़ा मैं, अरे दर्द उठो रे बैठा, अरे धूलो तो उड़ायो गोरा मुकड़ा पे आचिर बटाणी कन्नार तीड़ा में, राधा रघुमन एक दूसरे की शक्ल न पहचान सके। कृष्ण भगवान जी नगर अंजार के महीने पहुंचा और रथ ने रोक राधा रघुमन ने नीचे उतारी तो भगवान ही कंफ्यूज हो गया कि मैं राधा कृष्ण रघुमन की दो ये गरी की शक्ल की होगी, दो ये गरी की साड़ियां हो गया। राधा रघुमन कहने लगी भगवान जिंदगी में बोलन था रथ में न बैठा। कृष्ण भगवान क्योंकि मैं उठे ही कह रही हूँ घटे ही रेपा में फायदो। राधा जी के बल आ गया रुकमण धीरे बोल आपण तो क्षण क्षणी मृत्यु लोक का मायरा ने देखणो किशोक भरे देखा भगवान मायरो। आहा दो ही जड़िया सेठणिया और भगवान सेठ रूप धारण कर मेलियो और नगर अंजार का मैंने कावचना कापड़ी को भोपाल करवा लगे। देखो आप तो नारायण जी नानी भाई को देवर नारायणी वहां का गर्म बाढ़ निकल और शेठ जी ने कहवा लगे शेठ जी थका कांचड़ी कापड़ा को कहीं मोल है। तो शेठ जी कहवा लगे अरे नारायणिया अरे हवा हाथ का कापड़ा का रुपया हजार, अरे थान का नारायणिया कोई छेन कोई पार। क्यों रखा नारायणिया हवा हाथ का कापड़ा का 1000 रुपया लगे और थान की तो गणती को नहीं आगे तो अथा पीसा लगे। नारायण कहवा लगे अच्छा महंगा कपड़ा जो हाँ अच्छा महंगा कपड़ा तो और कोई नहीं ले सके। माँ का गांव में एक शेठ जी आया था कोई नरसिंह जी महाराज वे था हगड़ाई कपड़ा ले ली वहां का नगर रोकड़ रुपया गणा वे हगड़ाई था ना रोकड़ी गण दी चले जाओ वहां का नगर। तो भगवान के बाल कह रहे नारायणिया अरे नरसिंह के ने मारे हो पुराणो व्यवहार, अरे देसी तो ले जा सुवर्ण दे जा सु उधार। क्यों रखा नारायणिया नरसिंह मारो तो पुरानो व्यवहार वो रोकड़ दे तो ठीक नहीं तो उनका नाम पर लिख ले आ जाओ फचे ही ले लियो। तो नारायण के पहला क्यों रहा सेठ मुझे तो पागल बना रही हो तू बेंडो मत बने नरसिंह ने कहीं कौन है। अरे सुन रे भोला भाणिया तू अकल गवार, अरे नरसिंह मेहता ने बीरा मत दीजिए उधार। क्यों रखा देखे नरसिंह ने उधार मत दे दीजिए भगवान क्यों फटाफट उनको द्वार बताओ मैं जट नरसिंह जी ने कपड़ा दे पूछू। अब सांवरिया से आगे गांव में हेलो पारता भरे अरे कापड़ा तो ले रे सांवरो ओले डोले डोले, अरे कापड़ा तो ले रे सांवरो ओल्यू डोल्यू डोले, अरे सूरदास जी बोलिया जाने कृष्णो खाती बोले, सूरदास जी बोलिया जाने कृष्णो खाती बोले। भगत बचली प्रभु सारे सब काज, भगत बचली प्रभु सारे सब काज, अरे नानी भाई का मायरा की सांवरिया नैला बोल नारायण हरि जय जय नारायण हरि।
नरसिंह जी के कुटिया के पास में जान ले लो कापड़ा व्यापार करवा लग गया। सूरदास जी महाराज दो आंखों आंधा पर नरसिंह जी ने केबल लग गया, नरसिंह जी महाराज सुनो सुनो, नरसिंह जी महाराज सुन बोला वहां को समझ में ना आए। सूरदास जी को समझ में आयो, नरसिंह जी को मार तो कहीं ना आयो। सूरदास जी को देखो मने ऐसी आवाज आ रही बानू जन वो कपड़ा बेचबा वालों जन किसनो खाती उनकी आवाज में बोल रही हो। नरसिंह जी महाराज के बोला गया भाई बात तो सही है, आवाज तो मने किसना खाती जी आ रही है पर किसनो खाती अटक नहीं करे वो तो खाती हो और यो तो पानी हो। सूरदास जी को वह नवे यो कोई कोई दिव्य चमत्कार है। आहा भगवान नरसिंह जी के पास में आया और नरसिंह जी महाराज भगवान का रूप ने देख और केवल आगे वर हमारा सांवरा पहली केस खिंचाई के पाछे बढ़ायो चीर। अरे आयो लाज गमाई के थारी आखिर जात अहीर। क्यों रे हमारा सांवरा तू दो चार दिन पहली आ जातो तो थारो कहीं बिगड़ जातो पर मारी लाज शर्म बिल्कुल गमा दी और अब लायो। और नरसिंह जी महाराज भगवान ने अर्ज कर बलाया कई प्रकार देखो आप। अरे मोड़ो घनो आयो रे ओ नटवरी नागरिया। अरे मारी गई रे सभा मेला जिने जा तेरी गाठरिया। घणो आयो रे ओ नटी वरी नागरिया। मारी गई रे सभा मेला ले जा तेरी गाठरिया। भगवान की नरसिंह जी महाराज केवल आ गया सांवरिया घणो लेट आयो ले जा तारी गांठ भगवान मारा गांठ नछारी। अरे मुझे शर्म का मारे पानी में डूबन मर जाऊं थारे लिए। सांवरा जी गांठ ना आगे मिले नरसिंह जी महाराज अट्टी मुंडो कर दे अट्टी मेले तो उठी फर जावे उठी मेले तो अट्टी फर जावे भगवान। क्योंकि नरसिंह जी महाराज आखिरी बार कह रहे हो गांठ छारी नछारी नरसिंह जी को नछारी जा ले जा अशी गणी गांठे देखी जरा होशी एक गांठ ले नटा आयो मने कह रहे हो लो अन आयो तो किसान बासी बासी खींच रहो बाटी बासी रोटा खवा दिया गणी बिपता बड़ी भगवान मारा में थाना कहीं ध्यान है भगवान क्यों कहीं बात को मारा कहीं मोत मारिया गांठ लेन लियो चलियो जी भगवान गांठ लेन बाड़ने निकलवा लग्या। नरसिंह जी महाराज दो ही पग पकड़ लिया अन क्यों रे हमारा सांवरा थारे जानो में तो जा पणिया गांठ तो उरी दे जा बेटी का बाप थारो काम कोने मार तो ये गांठो काम है या गांठ होए तो काम चल जाए। भगवान के नरसिंह जी महाराज घबराओ मत अब मैं आ गयो हूं आपकी बेटी नानी ने जान के हो कि कलश वलश बंधावे मैं जरूर मायरो भैरो और जरूर नानी बहन ने चौधरी ओडाओ तो अटिन ने नानी भाई अपना बीरा का आबा की बात सुनी तो नानी भाई फूली न समय सोना को कलश ले और देखो आप भगवान के मना बग लेगी और अपनी सखी सहेलियां ने कई प्रकारों लारे लेगी और कई प्रकारों गीत गाती की देखो आप नानी भाई अपना बीरा ने मना बग लिए। अरे चालो ये मारी कवर लाडली थे कलश बंधावो ये बीरो मारो आयो ये नानी भाई की सखी सहेलियां पहुंच में लगी नानी भाई थारो बीरो किसान को है तो नानी भाई केवल लगी हाल मैं भी नहीं देखियो पर मारा पिताजी मैंने क्यों। अरे एक सेठ के दो सेठाणिया रथ सुंदर चुकी वायो ए एक सेठ के दो सेठाणिया रथ सुंदर चुकी वायो ए Oh, 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 oh
मंदिरा पंडा कापड़ा की गाड़ी भर लियो ए बीरो मारो आयो जामण जायो ए बीरो मारो आयो और मालन के पास में पहुंची नगर अंजार के मालन ने जाओ और नानी भाई देखो आप कई प्रकार गजरा के लिए केबल आएगी एक गजरो गुथ लाए एक बार निवेदन करूं कि मीठी मीठी ताली भगवान सावेर सर का नाम बदोनी याद उठा नानी भाई के साथ में देखो आप जी प्रकार नानी भाई खुश है आप भी खुश होना चाहो एक गजरो गुथ लाए अंजार के मालन केंदी गजरो के गजरो गुथ लाए चमेली और मोगरी न्यारी ये ए सावरिया बीरा की सूरत लागे प्यारी है गजरो गुथलिया है गजरो गुथलिया है अंजार के मालन केंदी गजरो गजरो गुथलिया है चांद लजायो गजरो गुथलाए गजरो गुथलाए अंजार के मालन केंदी गजरो गजरो गुथलाए श्याम के पास में नानी भाई आई सखी से लेने ले आहा नानी भाई रुदन कर देती कि देखो आप अपना बिरा को कलश मंदा भाई तो भगवान के बल गया नानी तू घबरा मत रो मत मैं आ गयो मैं तारो सगो बिरो हूं और देख थार एक नहीं दो दो बाइबल लेन आयो या का पगा में धोक दे तू रो मत तो भगवान श्याम नानी भाई का कई प्रकारो लाड गिरया देखो आप अरे सावरियो नानी भाई का
लाड किया। अरे दोनों हाथा से आंसू पोंछ लिया। भगवान सामने से नानी भाई का आंसू पोंछ और केवल आगे नानी घबरा मत। चल थारी जो इच्छा है तू आज मांग ले, मैं सब कुछ देवा के लिए तैयार हूँ। तो नानी भाई केवल आगे है मारा बीरा सुन मारा बीरा सावरिया सुन लीजिए इती। अरे नारायण हा देवर ने बीरा दीजिएगी मती। क्यों कहे मारा बीरा इस संसार में तू सबने दे दीजिए, मारा सास ससुर ने दे दीजिए, पियाजी ने दे दीजिए, मारा बाल बच्चा ने दे दीजिए, मने दे दीजिए, सबने दे दीजिए, गांव का हर एक बच्चा बच्चा ने दे दीजिए, पर मारा ये नारायण देवर ने कहीं मत दीजिए। सांवरे सेठ के बाल को देख नानी भाई देवर छोटा भाई के समान होया करे। अगर देवर आपने कही कहे तो उनकी गलती ने क्षमा कर वो अपनो परम कर्तव्य। भाभी ने यह बात चाहो कि देवर अपनो छोटो भाई है। देख ऐसी बात थारा मुंडा मो आचिन लगे तू मारी बहन है तो आज मैं कसम ले ले कि नारायण जी के ऊपर ऋषा न बढ़े ली। नानी भाई केवल लगी पण मारा बीरा हे सांवरा शेठ यो तो कर्म कोड़ दो उड़ते ही पहली मारो पण ऋषा बढ़े जो नींद आवे जटा तक बढ़े ही जावे। मु तुम्हारी यही कहूंगी हूं तन हाफ खान खावाई। भगवान क्यों देख बहन ऐसी बात अपना देवर के लिए तारा मुंडा मु शोभा नदी भाई। हाँ भगवान श्याम देखो आप मंडप का मैंने पहुंचा और वह जो एक गांठ ही वो गांठ में भगवान सांवरिया सेठ देखो आप 56 करोड़ को मायरो नानी बहन ने पेराबा लग गया। आखे गांव का ने मायरो पेरायो भगवान की जय जयकार होबा लगी। अठने सखिया मंगलाचार गावा लगी देखो आप और नानी भाई। अरे नारायण यहाँ देख थारी बोझाई ने। नानी भाई केवल लगी देख नारायण यहाँ तू गणो कहतो कि तारा भाई कौन है तारा पिताजी का नगर तू उमड़ा है और खई कौन है थारा मायरो कौन बहरी किसान बहरी। अब देख नारायण यहाँ देख थारी बोझाई ने। अरे भरी चोक में शरबत पाऊं मारा भाई ने। नारायण यहाँ देख थारी बोझाई ने भरी चोक में शरबत पाऊं मारा भाई ने। सोना का कंगन सामरियो जेठ ने पेराया। अरे सोना की मुद्रा राधा जी जेठानी ने पेराया। आहा भगवान श्याम हाथ में सोना का कंगन राधा जी का कान में झुमका। नानी भाई की नणद वह केवल लगी के नारायण ए दादा जो कहीं कोरा कुमार राधा जी का कान में कुंडल गणा गणा चमक रही है मन दुआ दे। नारायण केवल लगे भाभी थारा बीरा ने कहे राधा जी का कुंडली है मारी बहन ने दे दी। राधा जी केवल लगे ओहो या बात जट राधा जी अपना कान का कुंडल निकाले नानी भाई की ननद ने दे दिया। अब ननद भी खुश अटने नारायण मनी मन में घबरा रहे हो अब मुख ही मांगू अगले जना एक दूसरे को मांग रहे लेकिन मुख ही मांगू। तो नानी भाई केवल लगी का नारायण अरे सुन ले देवर नारायण अरे अशा कपड़ा थेने देख्या। अरे जन्मदार सो बार लाख लाख की एक चुनड़ी तू निरंतर से तार। क्यों रे नारायण तू घणो कहतो कि मने कोई चुनड़ी वो डब्बा वालो कोने लेकिन देख सोना का तारी चुनड़ी के मेरे लगे तक एक एक तार ने देख ले सुनार के पास में परे करा ले। और नानी भाई केबा लगी अरे सुन रे देवर नारायण तू भर ले गाड़ा ऊंट आज कहीं गमी कोन मारा सांवरिया सेठ का दरबार में सुने भोला नारायण। अरे भर ले गाड़ा ऊंट मांगनो सो मांग ले रे बना अगल का ठूंठ मांगनो सो मांग ले रे बना अगल का मांगनो सो मांग ले रे बना अगल का ठूंठ। Oh, 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 oh
मायरो भगवान सामर स्टेट का नाम पर नरसिंह जी महाराज 14 करोड़ की माया लुटी तो भगवान 56 करोड़ को मायरो नानी भाई के भरियो यानी कि 4 गुणों 56 करोड़ को मायरो भगवान सामरिया से कवि की कल्पना है तो नारायण के बाल लगियो अरे अस नहीं जानो भाभी सामरो मायरो पर तो अरे हमारी भाभी मैंने माफ कर दे मैंने क्षमा कर दे मुंह अस नहीं जानो के थारा भीरो है अन वो भी बेर सामरी और सेठ जी के अंदर लक्ष्मी का भंडार भरिया तक अरे मुंह नहीं जानो ये भाभी सामरो मायरो पर तो अरे नहीं तो मारी हवेली ने सोना की कर दो अरे नहीं तो मारी हवेली ने सोना की कर दो या तो नानी बाई या तो नानी बाई सांवरिया ने शरबत पावे रे या तो नानी बाई या तो नानी बाई सांवरिया ने शरबत पावे रे या तो नानी बाई और अरे आखा गांव में माचरियो यो बात बरन को शोर अरे अशो मायरो ई दुनिया में भरियो न भरेलो और जी प्रकार को मायरो भगवान सांवरे से नानी भाई को भरियो इस संसार में नहीं तो कोई भाई अपनी बहन को भरे हो और न कोई भरे लो अब नारायण जी ने आनंद आयो तो नारायण जी कही की दो और तो कोई दिखियो को नहीं एक बूढ़ो डोगरो डोल बगारियो होगा मु डोल हुदन बागरियो नारायण क्यों ना कर्म कोड़ ला डब डब मने दे उरो डोल तो अब नारायण जी अब तो नारायण देखो धीरे धीरे आनंद आओ अरे अब तो नारायण अब तो नारायण भी काल गला में ढोल बजावे रे या तो नानी बाई या तो नानी बाई सांवरिया ने शरबत पावे रे या तो नानी बाई शोर अशो मायरो ही दुनिया में भरियो न भरे लो और भगवान सांवरिया से 56 करोड़ को मायरो भर और देखो आप नानी बहन करोड़ों रुपए की चुंदड़ी उड़ा और देखो आप नरसिंह जी महाराज के पास में जा और अपना बेकुंठ लोक में जाबा की आज्ञा मांगी तो नानी बहन भगवान सांवरिया सेठ का पगाम पड़ गई और केवल लगी ये मारा बीरा थने पहली बार देखियो या तो तू हटे ही रह जा नरसिंह जी महाराज सूर्या स्वामी आखे गांव का मन का नानी भाई ने समझे कि नानी भाई भगवान सांवरिया सेठ है तो त्रिलोक का नाथ है ये बेकुंठ लोक में रेबा वाला ये मृत्यु लोक में न रह सके संसार में हर जगह भगवान अवतार लेने आया लेकिन सजनों बेन वाची जो यहाँ करे बेन के लिए भगवान सांवरिया सेठ नहीं तो कोई अवतार लियो और नहीं कोई अब देर करी भगवान सांवरिया सेठ अपना रत्न जोयो और रत्न बैठना अपनी बेन के लिए आ गया तो बोलो भक्त और भगवान की सांवरियो सेठ के बाल लगी बनानी अब सब जना अच्छे रहिजो और नरसिंह जी महाराज आप भी सुमिरन करता रहिजो भगवान को और अंत में हमारा धाम पधार जाइयो आ जाइयो हमारा द्वार था के लिए खुला है अब नानी भाई भगवान सांवरिया सेठ का चरण पकड़ लिया वहां का छोटे तो राधा का पकड़ ले राधा का छोटे तो रुक्मण का पकड़ ले राधा रुक्मण सजनो कवि की कल्पना है कि वहां की जिंदगी में कभी रोई कोने लेकिन नानी भाई का ही प्रेम प्यार और नानी भाई का ये लाचार पड़ा ने देखो राधा रुक्मण का आंखें में आंसू आ गया तो नानी भाई रोती जा रही ने अपना सांवरिया बीरा ने कहरी गई हमारा सांवरिया बीरा ओ मन भूल बिसर मत जाजो क्यों गई हमारा सांवरा तू बेकुंठ में जान भी मैंने मत भूल जाइए ओ मन भूल बिसर मत जाजो सांवरिया प्रीत निभाजो
बेगा बेगा आजो समरा बेगा बेगा आजो कलयुग में बेना की लाजी बचाजो जय हो सावरिया जय हो यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला मेरे लाल से तो सारा जग जिल मिला है ला 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 भगवान सावरिया शेठ सबू आगे और बैकुंठ लोक के लिए रवाना हो गए तो नानी भाई भगवान श्याम अर्ज करे कि हमारा सावरिया बीरा ई कलयुग में तो आतो रहिजे और जी बहन का भाई न होवे उन्हें धर्म को भाई मलतो रहिजो और बहन भाई को जो प्रेम है हे हमारा सावरिया शेठ ने अजर अमर राख जी आज रक्षाबंधन का उपलक्ष में बहुत बहुत धन्यवाद गांव घटियावली मैं सभी को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा साधुवाद देना चाहूंगा। देखिए एक निवेदन कर दूं कि मैं कोई कलाकार कौन है मैं कोई विद्वान कौन है मैं कोई पंडित कौन है यो सब आप लोगों का आशीर्वाद है जो कसरो मारा गुरु महाराज मैंने दियो मैं आपके बीच में पेश कर रही हूँ यो नानी भाई को मायरो कमू कम 5 दिन को हो और 5 दिन को मायरो यूं देख लो भगवान का आशीर्वाद दूं मगर रात दिन चल रहा दिन में भी मायरा करना पड़ रहा माना रात में भी मायरा करना पड़ रहा लेकिन फिर भी अब आप लोगों को किस्मत बोलूं कन मारो किस्मत बोलूं कि ग्राम घटियावली में भाई किशन बहुत बहुत धन्यवाद है मैंने भजन गाबा के लिए बुलाया उन मारने को मायरो करवा दियो 5 दिन को मायरो 1.5 घंटा में पूरा करवा दियो। तो सजनों भागवत कथा तो कलयुग में होती रेवन सब लोग सुनी रहा है लेकिन नानी भाई को मायरो अगर आप ई प्रकार मायरा ने भूल जावा अगर कोई पंडित नानी भाई को मायरो न कह रही तो ये कलयुग में बहना की कहीं हालत हो जाए आप खुद अंदाज लगा सको। इसलिए पप्पू वैष्णव ये भागवत कथा अवगत कथा न करो भाई आप तो खाली नानी भाई को मायरो राम कथा या बजा भगवान का भजन ही करा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आप लोग हाल तक बैठा हो बना डांसर की भजन संध्या किशन मारो पहलो चांस भाई यात्री देर रुक गया। बहुत बहुत धन्यवाद घटियावली वासी ना भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब अटिले मायरो पूरो नोयो वा देखो मायरा को आनंद ओबे लेवा। अब अटिले भगवान सावरिया शेठ जी बैकुंठ लोक में पहुंचा और वो पेमली पड़ोसन के घर में एक छोरी को जन्म हो गयो। अब छोरी जनी मैंने 2 घंटा नो होया छोरी रोपा लागी तो असी रोई के जी की कोई हद कोने हर चीज लान दे दी लेकिन छोरी छानी नरी। अब पेमली पड़ोसन नारायण जी ने आन के बा लागी नारायणिया गजब होगी बात कहीं हो भाभी अरे कमारी छोरी के छोरी हुई वह तो भैया छानी नहीं रही हूँ कहीं छा रही हो चो हूँ कहीं कापड़ो छा रही हो या लो सब होता ही पहली छोरी समझ रही मारे कापड़ो छा रही हो पण कहीं करो टेक वे हिसाब किताब में बाकी रह गया चक्रवर्ती ब्याज में साम्राज्य का पूरा तो करना। तो पेमली पड़ोसन नरसिंह जी महाराज ने हे लागा करवा लगी नानी भाई ने कहवा लगी नानी भाई थारो बाप अशु है थारो बाप अशु है थारो बाप अशु है थारो बाप अशु है। नानी भाई केबा लगी के पहली हो जदी हो अब खेमत दीजिए वने अंदर का गांव कई मार न कल कांग मायरो तो सभी जना पेरियो थारा छोरी पण होई जे को मु कई करू अन तू मने का केरी थने न को जदी कीने को थारो बाप मायरो लायो सबने कपड़ा पहराया सबने मायरो पहरो मारी छोरी ने तो एक रुमाल ही न दियो एक रुमाल भी दे दे तो मु जान जाती। तो देखो आप नरसिंह जी महाराज ने गाने काट पे लगी हुआ फैमिली पड़ोसन के थारो बाप हसो कई प्रकार को देखो अरे रर नरसी ब्याही जी ये बेंडी रांड का ये माल जादी का लाका की पेरावणी करी रे भोला ब्याही जी ये बेंडी रांड का लाका की पेरावणी करी Thank you.
जापा माही सूती सूती निंगले छेवा थूक। अरे मारी टाबरी ने नहीं दियो एक कापड़ा को टूक बोड़ा ब्याही जी। अरे रमान जाती का आका की पिरावनी करी। अरे कापड़ो तो कोने मारी बेटी थारे लेड़ो वे जो ले जा मारने का कहीं कौन ने तो मारने का कापड़ो है न मारने का कांसली है न मारने का पीसा कोड़ी है मारने का कहीं कौन है। अरे माई राखो माचरियो गांव में माई शोर। अरे माई रो भर भावाड़ा वे पंची था और बोला जाही जी। ये मान जाती का लाका की पिलावनी करी रे भोला। बड़ा परेशान केवल लगे रहा हमारा सामरा योग ही करना क्यों बोलो मायरो भर ना क्यों और अब लास्ट में योग और ही खुटी घटू आएगी। अब हमारा नगर तो कहीं को ना मुंह कहीं कर सकूं तो नरसिंह जी महाराज केवल लगे अगर हमारी बेटी नानी। अरे का पेड़ हो तो कौन है मारी बेटी थारा केणो वे जो के दे। का पेड़ हो तो कौन है मारी बेटी केणो वे जो के दे। अरे एक तुमड़ो ले जा मन ठंडो पानी दे दे बोला ब्याही जी। अरे माल जाती का अरे पिंडी रांड का अरे तू छन्याल का लाका की पेरावणी करी रे बोला ब्याही जी। महाराज के बाल गए हमारी बेटी न तो मारने का कापड़ा ने कांसली वे पंछी उड़ गया मायरो बर्बा वाला कापड़ो कोने मारी बेटी केणो वे जो के दे। एक तुमड़ो ले जा मने ठंडो पानी दे दे मु तो घबरा गयो ठंडो पानी पिला दे मने ताकि मैं जूनागढ़ के लिए रवाना हो जाऊं। नानी भाई के बाल आगे कि ने 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 पिताजी कहीं कहीं करनो पड़े। नरसिंह जी महाराज को और कहीं मारने के ये सवारी पे की ताड़ा याने बजान भगवान ने रिजो या नहीं ले जा कोटे गेण मेल दे अनु छोरी ने कब कापड़ो ले जान दे दे। नानी भाई दोड़ी गई अश्वारी पे की ताल ने शेठ जी के उठे गेण मेल नौ कापड़ो ले जान छोरी ने दियो तो छोरी अशी चुप हो जान कोई एफएम बंद हो आ कोई दिन हो गयो आखी रात होगी दो दिन दो रात होगी छोरी जबान मुंडा में नगा ली और जुई हाथ में कापड़ो पकड़ो जाना छोरी पता ठंडो पानी उंडायो चुप होगी। नानी भाई क्योंकि हमारी बेटी कर्म कोड़ दी होते ही पहली अतरी हमसे तो मोटी हो थी कहीं वो ही कापड़ो देते ही पहली चुपचाप नानी भाई परेशान अटने नरसिंह जी महाराज के बल आ गया हमारा मारा सांवरा गजब होगी बात कई प्रकार अरे कापड़ो नहीं रे सुन जे मारा नंद लाल कापड़ो नहीं रे सुन जे मारा नंद लाल। अरे कापड़ा में गिरवी मेली सवा रुपया की ताल। कापड़ा में गिरवी मेली सवा रुपया की ताल। क्योंकि तुम भी जान रहे हो अब मारने का कापड़ो कौन जी है ताड़ा ही जाने गेण मेला दी इमे तारो मन में दबे मारा सामरा केवा लगे नरसिंह जी महाराज। अरे मायरो भरियो तो थारी बेन के भरियो। नरसिंह जी महाराज के बल आ गया ये मारा सांवरा एक ही आधार वो तारो नाम लेबा कौन वो भी नरियो मारन का कहीं। अरे माई रो भरियो तो थारी नरस नानी के भरियो।
अरे ताला बिना तो मैं ता नरसी ने करियो, अरे ताला बिना तो मैं ता नरसी ने करियो। नरसी जी महाराज गोरे के मारा सामना थू गई जांडो के थारा 56 करोड़ को मारो थे भरियो। अरे भरियो तो भरियो पण मारी ये सवारी पे की ताला न होती तो तारी पोजीशन बिगड़ जाती। चणा हगलो ही मारो मारी ताला भरियो। भगवान बेकुंड लोक में सुता सुता सुन गया तो भगवान हीरा पन्ना और कापड़ा का देखो आप थान की बरसात करबा लग्या। तो बरसात हुई तो यही प्रकार की हुई पूछो मत बात। और भगवान सवरे सेतु में प्रार्थना करूं कहीं गटियावली गांव पे हीरा पन्ना कपड़ा की बरसात भली मत कर जी हमारा सांवरा, लेकिन या पानी की बरसात तो कर ही दीजिए। भगवान सवरे सेतु या प्रार्थना है और दो पांच दिन का मैंने आ जाओ तो बड़ी अच्छी बात। भगवान जरूर अपनी पुकार सुने लो। नरसिंह जी महाराज के बल आइए भगवान। अगर मारे सवारी पे की ताल न होती तो तारो कहीं होता तो भगवान हीरा पन्ना कापड़ा की देखो आप बरका करवा लग गया। कोई का तो मकान टूट गया, कोई की पट्टिया टूट गई, कोई की गट्टिया फूट गई, कोई की टांगिया टूट गई, कोई का छोरा सापरा मर गया, सब मन गटी गटी भाग वाला गया, हाहाकार मच गयो। अब नारायण जी गर्मो बाड़ने गटियार का मन कतरा खा भाग गया। अब जी ढूंगा ढूंगा बाड़ने गटिया एक कपड़ा को था नारायण जी का मोरा पर पड़ गयो। अब नारायण जी की एक बीमारी कसी वहां का मोरा में गोब निकली थी गोब वो कपड़ा को थान पड़ियो और नारायण जी की कमर अच्छी हुई हुई के जाने पहली कभी गोब निकली थी कि नहीं। एकदम थम्बा जी वो बोल नारायण और सांवरा जी का हाथ जोड़न के बाद गयो मारे मारा सांवरा मुंह कश्मीरू लगान कन्याकुमारी तक अशे खुशे अस्पताल न छोड़ियो को जीने में न बतायो मैं जिमे मारी गोब को इलाज न करायो पण वैन या हुदी न होई पण खाना कटाऊ एक ही थान मारा मोरा पकड़ियो तो मारी गोब हुदी कर दी रे मारा सांवरा यो बढ़िया कहियो दादा सब। हे भोला ब्याई जी लाका की पेरावणी करी रे नरसी ब्याई जी लाका की पेरावणी करी और जो नानी बेक मायरो भरियो भगवान सामरियो सेठ वो कलयुग में आज भी सेठा को सेठ बनन बैठो है मंडपिया के महीने। एक छोटो सो भजन और सुना दूं उसके बाद में प्रभुलाल जी तैयार हैं। जो कलयुग में भी हाँ भक्त लोगों की इच्छा पूरी करें कई प्रकार देखो आप ये कलयुग में सेठ तो घना होया लेकिन नरसिंह जैसे सामरिया सेठ जैसे संसार में सेठ नहीं देखियो। कौन कहता है कि मैं ऊंचे महल बनवाऊंगा और कोई कहता है कि मैं खुद शहंशाह बन जाऊंगा लेकिन तू ये मत भूल बंदे तेरी क्या औकात गए तेरी चार दिन की चांदनी तो फिर अंधेरी रात है। ये कलयुग में कोई लखपति है तो वाने शेठ जी गणो पड़े, कोई करोड़पति है तो वाने भी शेठ जी गणो पड़े, कोई अरबपति है तो वाने भी शेठ जी गणो पड़े, लेकिन दुनिया में सब बड़ो सेठ तो सांवरियो सेठ ही बात को प्रमाण यो है। अरे सेठा में सांवरो सेठ बाकी सब डुप्लीकेट सेठा में सांवरो सेठ बाकी सब डुप्लीकेट सेठ बनियो एक नरसी मोटो भगता ने वो समझा छोटो एक समय जद पड़ियो टोटो सामल राखी फेट नानी भाई को भरियो मायरो ऊसा मरियो सेठ ले सेठाम 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 सावरो सेठ बाकी सब डुपली के बाकी सब डुपली के बाकी सब डुपली के बाकी सब डुपली के
सेठ की, बोले श्री चार भुजा नाथ की।